सर थोड़ा सा भाई, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते इंडिया की बात, हम नहीं बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते, नहीं बर्दाश्त कर सकते। तुम देखो पहली भी मैंने आपको इधर से भगाया था, भगाया क्यों था, ये आपकी जगह नहीं है, मैं तोड़ूंगा। ये देखें, ये बदतमीजी में खान साहब आ जाता है, आप लॉजिकल बात करें ना, क्यों कर रहे हैं इंडिया की बात में। अच्छा इंडिया 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 भूख से मर रहा है, क्या कर रहा है भाई जान। अभी तेरी जेली, अभी मिर्ची लगी तुझे। चाइना को मानते हैं सुपर पावर या पावर मानते हैं कि भाई हाँ, बाकी वो है चाइना के पास सब कुछ है, इंडिया के पास क्या है, क्या इंडिया के पास वाले तो सारे लोग फुटपाथों पे सो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी जो है ना इंडिया से अच्छा खा रहे हैं, सब कुछ ठीक है। घंटा मेरा नाम है मोहम्मद मुश्तार, मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर कदीर। अच्छा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, झंडा लावा दिल्ली तक पाकिस्तान की फौज है, दिल्ली दिल्ली में पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे। हां जी हां जी, औकात में, ठीक है औकात में। तो मुझे ये बताओ कि तुम इंडिया दुनिया में तो और भी बड़े मुल्क है, तुम इंडिया का नाम क्यों ले रही है, ये इस बात का मुझे नहीं बोलता। चाइना के साथ बेहतर है, चाइना की बात करो, चाइना की बात करो। तो अभी मैं चाइना की बात कर रहा हूँ ना, कि इंडिया चाइना को भी बोल रहा है कि अब हम आपकी पावर को या इस तरीके से इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो चाइना से कुछ भी इतना डरता है, वो चाइना का नाम नहीं ले सकता है इंडिया वाले। अच्छा हाँ, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। So, hello guys, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके, उम्मीद करता हूँ आपके घर पर अच्छे से ही है, वो भाई लोग बड़े से होंगे। सो भाई लोग रिसेंटली ये हुआ है कि पाकिस्तान के जो फेमस यूट्यूबर है शोएब भाई, वो किसी सिलसिले से पाकिस्तान के जगह भाई गए हुए थे वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। अच्छा, मतलब अपने यूट्यूब चैनल के लिए, जिसमें कि भाई उन्होंने थोड़ी सी इंडिया की तारीफ कर दी, ठीक है, जिससे भाई पाकिस्तानी आवाम एकदम भड़क गई और भाई उनसे एकदम बदतमीजी से बात करने लगे, तो भाई धक्का मुक्की भी होने लगी। अरे बाबा, इंडिया की बात सुनते ही पाकिस्तानी के सीने में मिर्ची लग जाती है। सही बात है। तो चलिए देखते हैं इस पर पाकिस्तान की जो जाहिल जनता है उस पर क्या क्या रिएक्शन देती है, और उसके बाद ना रिव्यू देंगे और इनकी जाहिलियत का अच्छे समाधान भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट कर दीजिए, तो मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे अगले से रिन्यूअल लाने के लिए। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। काफी दिन से गायब थे ना? गायब नहीं था, मेरा काम है, मैं कभी कहीं इधर भगाया था फिर आ गया। भगाया नहीं, खान साहब ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। अभी भी आप देकर मुझे उठा रहा था, मैंने आपको रोक लिया कि नहीं नहीं, तो इंडिया का बात टॉपिक लेकर आए, क्या मसला? ये आपकी गलत फहमी है कि मैं आपको देके मैं आपसे डरता नहीं हूँ, मेरी बात सुने। उधर से मैं देकर तो आपसे बात कर रहा हूँ ना मैं, अगर मैंने भागना होता जाना होता तो फिर मैं चला जाता। ये जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ सेम ऐसे ही लगाऊंगा, डरने वाली बात इसमें नहीं है, मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ। नहीं पहले अच्छा। भी आपको इधर से हमने भगाया था कि आप इंडिया इंडिया बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पता नहीं इंडिया आपको क्या दे रहा है। नहीं क्या क्यों दे रहा है, मैं खबर के ऊपर बात करता हूँ ना, आज भी खबर मेरी यही है। फिर मैं अगर डर रहा हूँ तो मैं कहता नहीं नहीं मैं इधर उधर, आज खबर है, आज भी खबर ये है इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया है और उसने तो चाइना को सीधा वार्न कर दिया कि भाई इस खित्ते में इस एरिया में अगर आपने अपनी पावर जमाने की कोशिश की या कोई भी हमें डराने या इस तरह करने की कोशिश की तो अब हम ये नहीं देखेंगे। मुझे बताएं इंडिया से मसला क्या है, क्यों आप मैं यहाँ पे खड़े होकर इंडिया की बात नहीं कर सकता। इंडिया तो सुपर तीसरी बन जाए, अगर वो सुपर भी बन जाए एक नंबर एक भी बन जाए ना, अच्छा तो उसमें सबसे पहले उसमें कोई ईमान तो है नहीं। सुपर भी बन जाए ना, हमारा अच्छा। कश्मीर में ना, कश्मीर में तो एक कदम आकर दिखाए तो हम मान लेगा कि वो सुपर ताकत बन गया, ठीक है। यानी कश्मीर में एक कदम आएंगे फिर मान जाएंगे कि वो सुपर पावर बन गया। वो नहीं आ सकता, सुपर ताकत ना अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है, कलीमे के नाम पे बना हुआ है। अच्छा, जो ईमान हमारे पास, जो ताकत हमारे पास कलीमा का है ना, वो इंडिया के पास नहीं है। हाँ तो मेरे पास घंटा है, वे उसी घंटे को बजा के भीख मांगना, अच्छा खासा भीख मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? किस मुंह से अपने आप को सुपर पावर कह रहे हो, जिस देश की वजूद आईएमएफ के कर्जे से चल रही है। अगर भाई आईएमएफ ने कर्जा देना बंद कर दिया ना, तो पाकिस्तान रोड क्या पानी में आ जाएगा। वो फिर सुपर पावर, अब बैल लाऊ रे, चुप चुप चुपचाप जाके भाई मजदूरी कर, लेट हो रहा है।
गजब बेइज्जती है। सब आप किसी बात पे आ जाते हैं, देखें आप खुद इस तरह की उल्टी बात करते हैं। आप कह रहे हैं हमारे पास कलमे की पावर है, मानता हूँ मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान है, कलमे की पावर है, लेकिन हमसे ज्यादा मुसलमान वहाँ पे मौजूद है, फिर कलमे की पावर भी वहाँ पे है। वो सुपर ताकत ना है, किस तरह वो सुपर ताकत बन गया ये मुझे बताओ, वो कितना ज्यादा है पाकिस्तान से ना। अच्छा, पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है ना, ठीक है, अगर इस तरह सुपर ताकत बन गया तो आ जाए हम पाकिस्तान पे कब्जा करके दिखाए। कब्जा उन्होंने कहा था कि हमने कब्जा करना ना ही, वो सुपर ताकत तो बड़ा अमेरिका के लिए इंडिया के लिए जोर लगा रहा है, पता नहीं इंडिया को क्या दे रहा है। साहब ये बात नहीं है, और सुपर ताकत ये जो बात कर रहे हैं, मैं खबर कवर कर रहा हूँ ना, क्या कहना चाहेंगे इधर और जो मजीद लोग हैं मुझे बताएं, इंडिया से क्यों ये खान साहब इतनी वो गुस्सा करते हैं या बात नहीं करना चाहते, क्या कहना चाहेंगे? कौन गुस्सा कर रहा है? ये खान साहब इंडिया के नाम पे गुस्सा कर जाते हैं, कहते हैं जी मैं इंडिया इंडिया हमारा मुसलमान इंडिया, हम सारी दुनिया को तस्लीम करेगा, इंडिया को और इसराइल को तस्लीम कभी भी नहीं करेगा। अच्छा, इंडिया के साथ इंडिया का तो हमने तस्लीम किया हुआ है ना? नहीं नहीं, इस तरह हम नहीं मानता कि सुपर ताकत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी नहीं है। चाइना को मानते हैं सुपर पावर या पावर मानते हैं कि भाई हाँ बाकी वो है चाइना के पास सब कुछ है, इंडिया के पास क्या है? इंडिया के पास 52 गज का लैंड है। देखो ये चाइना समेत पाकिस्तान का जी आंट कपकपाने लगता है। तुम जैसे जाहिलों के तस्लीम करने या ना करने से क्या हमारी वजूद बनेगी? शेर को किसी 10 कुत्तों की तस्लीम की जरूरत नहीं पड़ती, जानवर के झुके हुए सर ये बता देती है। सही बात है, और वो शेर इंडिया है, और कुत्ते कौन है ये तो आपको पता ही होगा। अगर कोई कंट्री दुनिया में कोई भी कंट्री है टेक्नोलॉजी में इकोनॉमी में आगे जा रहा है तो उसे हमें मानना चाहिए कि हाँ भाई जा रहा है, हमें भी मेहनत करके आगे जाना है। बिल्कुल, अगर वो जा रहे हैं तो हमें उसको सराहना चाहिए, और जिस तरह वो तरक्की कर रहे हैं हमें उसके जो पाथ है उसको फॉलो करना चाहिए ताकि हम भी तरक्की करें। अब इंडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इकोनॉमी में आगे जा रहा है या नहीं जा रहा? बिल्कुल, आईटी डिपार्टमेंट में खसूसी तौर पे वो बहुत आगे जा रहा है, गूगल का जो इधर आओ। लेकिन ये खान साहब कहते हैं वो दुनिया में कहां पे भी आगे, ये भाई कह रहे हैं कि अगर कोई टेक्नोलॉजी में इकोनॉमी में आगे जा रहा है तो मानना चाहिए, तो आप क्यों नहीं मान रहे, क्यों जी भाई जान? मानने चाहिए, बिल्कुल उसके पाथ को फॉलो करने चाहिए ताकि हमें भी पता लगे कि वो कैसे आगे निकल रहा है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप अगर कह देंगे मैं मानता ही नहीं, आपके मानने ना मानने से कुछ होगा नहीं? नहीं, आप बोल रहे हैं ना कि दुनिया का तीसरी नंबर ताकत, ये मैं नहीं बोल रहा, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है। तो मुझे ये बताओ कि तुम इंडिया दुनिया में तो और भी बड़े मुल्क है, तुम इंडिया का नाम क्यों ले रहे? ये इस बात का अच्छा नहीं, मुझे आप ये बताओ हमारा नेबर कितने हैं, कितने नेबर हैं हमारे जो हमसाया कंट्री है, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान है और ईरान है, मुझे बताओ किसके साथ हमारे तल्लुक बेहतर हैं, जिनसे जिसकी मैं बात करूं कि हाँ चलो इंडिया की नहीं, किसकी बात करूं बताओ? चाइना के साथ बेहतर है, चाइना की बात करो, चाइना की बात करो। तो अभी मैं चाइना की बात कर रहा हूं ना कि इंडिया चाइना को भी बोल रहा है कि अब हम आपकी पावर को या इस तरीके से इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो चाइना से कुछ भी इतना डरता है, वो चाइना का नाम नहीं ले सकता इंडिया वाले। अच्छा हाँ, चाइना ये ले भाई, बोल दिया हमारी लंबी ना डरे चाइना से, हमारी बात तो भाई दूर की बात है, अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, चाइना वालों को इंडियन बॉर्डर से भाई कूट के बाहर निकाला था हमारे इंडियन शेरों ने। गलवान वैली इंसिडेंट पे भाई इंडिया ने मुंह तोड़ नहीं जी आंट तोड़ जवाब दिया था चाइना को। तुम सब चाइना के तलवे चाटने वाले ये कैसे जानोगे? बात तो सही है, चाटो चाटो चाटते चाटते भाई लंदन तक पहुंच जाओ। गजब बेइज्जती है। अरे जो ईरान है, मैं इंडिया की बात नहीं करता, मुझे बता दे पाकिस्तान क्यों नहीं आके जा रहा, ये बता दे, छोड़े मैं इंडिया की बात नहीं करता, पाकिस्तान में तो आपकी सब कुछ सामने है। क्या सामने है, अब आप बताए ना, पाकिस्तान सबसे पहली बात ना हमने करप्शन खत्म करना है। ठीक है, जब तक करप्शन नहीं खत्म होता ना तो पाकिस्तान नहीं बढ़ेगा। ठीक हो गया, तो करप्शन इसका मतलब आप ही करप्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान ही, हम सब करप्शन कर रहे हैं? नहीं, हमारे जो सियासतदान है सारी दुनिया को पता है कि कर रहे हैं, सारी दुनिया को पता है कि हमारा सियासतदान ठीक नहीं है। मुझे बताएं पाकिस्तान में खड़े होके अगर इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है तो उसकी बात करना गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। क्या आप उसके ऊपर टैग लगा देंगे कि हाँ ये इंडिया का जो है एजेंट है, इंडिया की बात कर रहा है? खान साहब थोड़ा सा नहीं बर्दाश्त कर सकते इंडिया की बात, नहीं बर्दाश्त, क्यों नहीं कर सकते, नहीं बर्दाश्त कर सकते? तुम देखो पहली भी मैंने आपको इधर से बगाया था, बगाया क्यों था, ये आपकी जगह नहीं है, मैं तेरा मैं तोड़ूंगा। ये देखें ये बदतमीजी में खान साहब आ जाता है, आप लॉजिकल बात करें ना, क्यों कर रहे हैं इंडिया की बात में? अच्छा इंडिया,
इंडिया भूख से मर रहा है, क्या कर रहा है भाई जान। इंडिया अगर भाई भूख से मर रहा है तो पाकिस्तान तो उस नक्शे में ही नहीं होगा। 8.2% से ग्रो करने वाला वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वर्ल्ड्स फिफ्थ बड़ी इकोनॉमी और भाई द जियांड मार्केट ऑफ वर्ल्ड, अगर भूख से वो मर रहा है तो पाकिस्तान का जियांड मरा रहा है। गुड क्वेश्चन। साले भूखे नंगे लोग आधे से ज्यादा पाकिस्तान में पागल हो गए हैं भुखमरी के कारण, और तू हमें ज्ञान पेल रहा है जाहिल। भाई मुझे तो लगता है तू भी पागल हो गया है, पहले भाई अपना दिमाग का इलाज कर और फिर आना। नहीं, जिसको पता नहीं उसको समझाना है हमने। तो मेरा भी यही काम है, मैं भी यही कर रहा हूँ। जिसको नहीं पता हा? मेरा नाम है मोहम्मद मुश्ताक, मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर कदीर। अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। दिल्ली झंडा लावा, दिल्ली तक पाकिस्तान की दिल्ली, दिल्ली में पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे। हाँ जी हाँ जी। क्या उधर क्या मतलब झंडा लहरा के आगे क्या करेंगे? लखवी होया क्या? वो ये दिन लखवी होने बाबे कहते टिकट लग रहे 1940। अच्छा, ये कह रहे हैं दिल्ली में पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे। पाकिस्तान के झंडे लहराने का कोई फायदा नहीं, अपने मुल्क में पाकिस्तान का झंडा। जबरदस्त हो गया, देखो ना मेरी बात सुने। जी 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 जी, क्यों लहराएंगे? हाँ बताएं। नहीं, एक मिनट ठहरे, एक मिनट ठहरे, लड़ाई ना करे, एक मिनट ठहरे, मेरी बात सुने, मेरी बात। हाँ एक मिनट, ठीक है, क्या पाकिस्तान को लहराएंगे? क्या करेंगे? इंडिया जो मर्जी करे ना, पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, क्या इन्हें भाई आप हजार बेवकूफों को भाई समझा सकते हो, लेकिन इन जैसे 10 पाकिस्तानी जाहिलों को नहीं समझा सकते, क्योंकि भाई दिमाग इनका खाली है। इनको अभी भी इनकी रियलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। रोड पे आ गए हैं, खाने को भाई रोटी नहीं है, महंगाई ने जी यान मार रखी है, पाकिस्तान का कंगलास्तान होने लगा है, लेकिन इन्हें अभी भी दिल्ली गेट पर भाई पाकिस्तान का झंडा लहराना है। ये एक ऐसा ख्वाब है जिसे भाई सिर्फ देखा जा सकता है, पूरा नहीं किया जा सकता, और ऐसी ख्वाब सिर्फ पाकिस्तान ही देख सकते हैं। धन्यवाद। So that's it guys, ये था आज का वीडियो। लाइक कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अगर भाई आपको मेरी वीडियो जर से पसंद आए हो ना, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एक कमेंट जरूर से कर देना, मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लेसन में लाने के लिए। मैं जुड़ता हूँ उनका और कॉन्टेंट लेके, और वैसे मस्त कॉन्टेंट लेके आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। बोले मैं जुड़ता हूँ वंदे मातरम, जहन में लिखेगा वंदे मातरम।